Assalamualaikum, it's NSR Bilanch and good morning and welcome here and how are you all of you and कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी स्कूल्स में हो चुकी हैं और अब तो ऑलमोस्ट छुट्टियां भी होने वाली हैं। सो हमारे बच्चों के तो अभी तक पेपर ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर बस क्या हो रहा है जी, सुबह सुबह उठ के बच्चों का नाश्ता बन रहा है प्लस लंच तैयार हो रहा है फटाफट, और जो है बच्चों का पेपर था दोनों का, और यहाँ मैं उठ तो गई थी लेकिन मैं अलार्म बंद करके दोबारा सो गई और 7 बजे फिर भी मैं रेडी थी। लेकिन यकीन करें क्योंकि 7:30 बजे तक बच्चों ने पहुँचना होता है, पेपर चल रहे हैं ना, तो वैन जो है बच्चों की तकरीबन 7:10 तक आ जाती है। तो मेरे पास बहुत ही शॉर्ट पीरियड था ये कि मुझे उसके बाल बनाने थे बेटी के और वैन आ भी चुकी थी, फिर उसको होल्ड पे करवाया कि आप रुको तरह थोड़ा सा। तो यही बस आजकल चल रहा है, बहुत ही जल्दी 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 जल्दी। बस ये मैंने अंडा इस तरह से बीट किया था और अंडा मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें शुगर ऐड किया उसके अंदर, उसको अच्छे से बीट किया, मैंने टोस्ट बना दिया था। मैंने कहा ये जल्दी से बना देती हूँ और बच्चों को कुछ मीठा लाजमी खाना होता है ना, लंच में कुछ मीठा होना चाहिए, तो मीठा कुछ था नहीं, तो जो है मैंने फिर ये जल्दी जल्दी से बस ये टोस्ट तैयार किए और बच्चों का यही लंच प्लस इसमें से हाफ ऑफ रोस्ट मैंने उनको बच्चों को खिला भी दिया था, क्योंकि बेटी के जल्दी ऑफ हो जाता है, बेटा भी 12 क्लॉक आ जाते हैं ना, उसकी भी ऑफ हो जाती है, उसको ले आती हुए जाके उसको लाना खुद पड़ता है, क्योंकि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट माशाल्लाह से ही विल बी इन अ नर्सरी, तो फिर इंशाल्लाह उनकी भी वैन हो जाएगी और फिर जब वो केजी में इंशाल्लाह जाएंगे तब तक तो फिर वो 7:30 बजे 7:30 बजे ऑब्वियसली फिर जल्दी जाना होगा, तो वैन का इंतज़ाम करना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड बेसिकली या गवर्नमेंट सर्वेंट और उनकी जॉब की नेचर ऐसी है कि उनको कभी कोर्ट जाना होता है, कभी कहाँ जाना होता है, सो उनको फिर जो है ना अपने ऑफिसेस को देखना है, बच्चों को देखेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी भी है कि वो जल्दी छोड़ के जाते थे इसे, सो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी यही काम कर रही हूँ और मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर भी करती जा रही हूँ। और आप लोगों ने ब्लॉग प्लीज़ देखा करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अच्छा मैं आज बात करूँ अगर हम यूट्यूब के बारे में, या फिर घर बैठे आप ऑनलाइन ऐसे कौन से काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस तरह की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं खुद भी कर रही हूँ, लेकिन वहाँ से जब मुझे प्रॉपर रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा तो मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूंगी, ताकि आप भी जो भी हाउस होल्ड मतलब हाउस वाइफ हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए चीज़ें चाहिए, ताकि वो भी अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकें। सो यहाँ बस मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी जाना था, तो बस उनके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, तो पराठे और साथ में सिंपल सा हमारा जो होता है ना खाना होता है, कोई हम लैविश नहीं, रात का बचा हुआ खा लेते हैं, कभी हाफ फ्राई बना लेते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। सो स्पेशली फॉर द हाउस वाइफ, बच्चों वाली हैं जो खुद नहीं निकल सकती, बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, 9 to 5 नहीं कर सकती, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप या तो अपनी स्किल्स पहचानें जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, चाहे आप YouTube के ऊपर प्रॉपर व्लॉगिंग ही स्टार्ट करो, आप विदाउट फेस स्टार्ट कर ले, थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट माई 2 ईयर्स हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल को होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कि स्ट्रगल करते 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 इंशाल्लाह अल्लाह जो है आपको ज़रूर नवाज देता है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अल्लाह की दुआ मतलब हमारी सबकी दुआएं आप लोगों की और आप लोगों की सपोर्ट, मेरे फैमिली की, मेरे हस्बैंड की, सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी अर्निंग नहीं है इतनी, अभी फ़िलहाल अर्निंग ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये कि कतरा कतरा दरिया बनता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाब होंगी। सो जी यहाँ पर हम कर रहे हैं वॉश पोटैटोस को, ठीक है जी, और मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के पट्टस बना लेंगे, तो फिर गर्मी भी है ना, उसके बाद साथ में जो है हरे पुदीने की चटनी कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा आज का दिन, इससे कवर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या बनाते हैं। और राइस मेरा दिल था पहले आज ही बना लो, मैं सोच रही कल से कर लेती हूँ या फिर संडे को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो है ना पानी डाल के इसको मीठे पानी के साथ चढ़ाती हूँ, ये गंदा ही रह गया, ये देख रहे हैं, इसको फिर से वॉश करते हैं। सो जो है काफ़ी हो गया, ठीक है, बच्ची एक और डालूँ, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 करूँ, अगर ज़्यादा भी हो गया तो चलो फिर हम आलू के पराठे बना लेंगे बच्चों को, जो आपके पे आलू मोस्ट फेवरेट होता है, तो मैं बस इसको जो है ना पानी डाल के चढ़ा लूँ, आलू के कट्टे साथ बना लूँ।
यहाँ मैं बेटे को लेने के लिए उनके स्कूल पहुँच चुकी थी, तो यहाँ वो बैठे इंतज़ार कर रही थी। सो जो है मैं आपसे बात कर रही थी यूट्यूब के बारे में, तो आप लोग अपना चैनल बनाएं, उसके ऊपर वर्क करें, ब्लॉगिंग करना चाहें तो ब्लॉगिंग कर लें, किसी को मेकअप में बहुत अच्छा एक्सपर्ट होता है तो मेकअप का कर लें, मेहंदी लगाना आती है उस पर कर लें, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी। और ये इनके स्कूल का जो है रिसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। सो तो आप लोगों ने इस पर ज़रूर अमल करना है और यूट्यूब चैनल बनाना है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग का ज़रिया जो है ना बहुत ज़रूरी है घर बैठे खवातीन के लिए भी, और कतरा कतरा दरिया बनाता है। तो जो है इंशाल्लाह आपकी छोटी छोटी कोशिशों से इनकम आना शुरू हो जाती है। तो मुझे भी सपोर्ट करें और हम मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सो दुआ में आपने याद रखना है और सपोर्ट जरूर करनी है। तो बस सो यहाँ पर जो है ना, अभी मैंने अपने कपड़े वगैरह जो मैंने पहने हुए ना, यही मैंने वॉश करने हैं, तो जो है मैं वॉश करूँगी, ठीक है। सो अभी मैंने बच्चों को देना है नाश्ता। नाश्ते में क्या है कि पराठे मैंने बना लिए थे और सालन अभी ख़त्म हो चुका है, तो अंडे बनाती हूँ। सो हाफ फ्राई बना दूँ या आमलेट बना दूँ, ये मैं देख के पूछ के तो मैं बनाती हूँ। जो है ना, एक अदद अंडा हमने निकाला जो कि ख़राब निकला, और अभी हम दो अंडे बनाएंगे आमलेट, सॉरी आमलेट नहीं, हाफ फ्राई। चले बनाते हैं हाफ फ्राई एग्स। सो हमें क्या चाहिए, अंडे लिए हमने दो अदद, और हम इसको यूँ करते हैं टर्न यहाँ, और आपके साथ शेयर करते हैं अपना एग बनाने का। हाफ फ्राई बनाएंगे और हल्की ही आंच चाहिए होती है इसके लिए, तो बड़ी सही है लाइक दिस। मैं तो बहुत ही कम ऑयल या घी यूज़ करती हूँ फॉर द अंडाज ऑमलेट वगैरह ना, हर किसी का अपना तरीका ऑलमोस्ट होता है, तो मेरा तो ये है कि मैं बहुत ही कम उसमें यूज़ करती हूँ, तो हल्का सा तवा जैसे ही गर्म होता है ना, मिनिमम मैंने लिया है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और एक ये होता है एक अंडा, इतना ख़राब निकला इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैंने अंडा डाल दिया, इसके ऊपर हम जस्ट स्प्रिंकल कर लेंगे सॉल्ट, ठीक है, और ब्लैक पेपर। बस मैं आपको अंडा बनाऊँ, बस अंडा बना रही हूँ ये वाला अंडा। हाँ बस ये हो गया, तो पीछे छिटाना पड़ता। मम्मा आप ऊपर ये ब्लैक ब्लैक क्यों डालती है, मैं दांतों में पड़ जाता इतना गंदा टेस्ट आता है। ये ब्लैक पेपर है, क्यों ये भी डालूंगी तो क्या डालूंगी, कुछ भी नहीं ना, मत हल्का सा तो डालना। सो ये है हमारा हाफ फ्राई, ठीक है हाफ फ्राई मैंने बस ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ, और एक अभी इसका ये और भी बनाना है, ये बनाते हैं। यहाँ मैंने बच्चों को खाना सर्व कर दिया, इन दोनों को बात भी दिला दिया है फ्राइडे का, हाँ नमाज वगैरह पढ़नी है, और इनको बात दिला के इनको कपड़े पहना दिए, और अभी ये लोग जो अपना लंच प्लस नाश्ता कंबाइन इनका होता है वो ये पढ़ेंगे। चलो जल्दी से करें, और हम इनका बचा हुआ थोड़ा सा सुबह वाला पराठा जो अभी ने छोड़ा था वो है, मैंने थोड़ा सा अंडा लिया है तो उसके साथ हम भी खा लेते हैं दोपहर का खाना, फिर मैं भी कपड़े भी भिगोने हैं, नमाज वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बात वगैरह लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ रेडी फॉर डिसाइडिंग माय नमाज, ऑफरिंग माय नमाज सॉरी, और अब मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, ठीक है जी, और नहा के ब्रात लेके वैसे ही पहना है मैंने, ठीक है जी, और अब हम जो है ना नमाज पढ़ें। नए कपड़े पहनने होते हैं ना, हाथ होते हैं तो बच्चों को भी याद करना, खुद भी हो गए ना, सो अभी नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह कबूल फरमाए, और फिर इंशाल्लाह कुरान पढ़ के थोड़ी सी नात पढ़ेंगे बच्चों के साथ, तो अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मौजूद है जिसने लाकर कुरान में इलाही दिया, जिसने लाकर कुरान में इलाही दिया, वो
वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं, हमने आँखों से देखा। ऊँची आवाज़ में पढ़ो। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं, हमने आँखों से देखा। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, बोलो। जुम्मा जुम्मा मुबारक। सो जी, हमने बनाना है क्या, आलू बॉयल करके रखे हुए, हमने कटलेट्स बनाएंगे और अंडे भी ख़त्म हो गए क्योंकि अंडा ख़राब निकला था इसकी वजह से। सो अभी मैं इसको करती हूँ और कटलेट्स का मसाला बनाते हैं, उसके बाद मैं कटलेट्स बना के रख लूँगी विद ब्रेड क्रम्स लगा के हम बनाएंगे। और यहाँ क्या है, चूंटियाँ कहाँ से आ गई हैं यहाँ। सो इसको साफ़ करते हैं। और मैं क्या करने वाली हूँ कि ना साथ में जो चटनी बनानी है वो भी बना के रखूँगी, चूल्हा साफ़ करने वाला हो रहा है वो, और साथ में कुछ मीठा बना लेते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं कि कुछ मीठा बनाऊँ, तो बेसन पड़ा हुआ है सो बेसन का हलवा बना लेते हैं, आसान ऑप्शन ये। तो मैं पहले बेसन का हलवा बनाती हूँ, पहले मैं ये बना के रखती हूँ, उसके बाद बेसन का हलवा बनाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ये बनाना। तो जी, ये मैंने तैयार कर लिया है कटलेट्स के लिए, ठीक है। अब इसको बाद में कटलेट्स बना के, तो फिर अच्छा पुदीना और टमाटर हरी मिर्ची डाल के हम चटनी बनाएंगे। अब मैं क्या करी हूँ कि बेसन का हलवा बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगती है रात में भी। मेरा बेटा आधी रात में 1 बजे उठ के ना सारे ये वाला बॉक्स, इसमें मोस्टली डेट्स पड़ी होती हैं, खजूरें होती हैं, तो केक शेक बना के बिस्किट बना के इसी डब्बे में रखती हूँ ताकि वो खा सकें। तो वो सारे डब्बे देख रहा था कि उसको कुछ नहीं मिला, सो मैंने आज सोचा कि उसके लिए फिर मैं आज बेसन का हलवा बना लेती हूँ ताकि वो खा सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जी बनाने के लिए हलवा बेसन का। सो मैंने सोचा कि आपको शेयर भी कर दूँ आपके साथ कि हम बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट मेक द हलवा। सो हमने लेना है 1 कप ऑफ बेसन। सो मैं इसको इससे मेजर कर लूँगी, ठीक है, कप या कटोरी जैसे भी आप बाउल ले लें छोटा, इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। ये मैं क्वांटिटी रखूंगी, ठीक है। एक प्याली हमने ले लिया ये बेसन, ठीक है, फुल करके हमने इसको ले लिया। और अब हमें चाहिए साथ में 3 टेबलस्पून हमें चाहिए सूजी के, तो वो हम ऐड कर रही हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। और हमें इसमें 1 कप ऑफ घी चाहिए, 1/2 एंड 1 कप चाहिए या 1/2 कप चाहिए, इज़ अप टू यू, आप किस तरह का डालना पसंद करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। सो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये हमने लिया और हम इसको पैन में ऐड करेंगे और स्टार्ट करते हैं, इसकी धुलाई करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर घी वगैरह भी डालेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब मैं जो हम ना पैन में ऐड कर रही हूँ सूजी एंड बेसन, इसको भूनेंगे, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे भुनाई करके, ताकि फिर इसके अंदर हम घी वगैरह ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम वैसे भुनाई करेंगे इसकी, ठीक है, बेसन की और सूजी की। तीन से 4 मिनट हम ऐसे भुनेंगे, उसके बाद घी डाल के फिर भुनेंगे, ठीक है। जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मैंने 2 इलायचियाँ ऐड की हैं और मैं इसमें घी या ऑयल जो भी आप डालना चाहें, मैंने 1/2 प्याली के करीब जो है ना इसमें ये डाला है। और अब मैं दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, ठीक है।
अब मैं अच्छे से बुनाई करूँगी। तो ये लुक लाइक दिस हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, अच्छा सा बुनाई होती जाए ताकि इसकी और एक अच्छी सी खुशबू जैसे ना आने लगेगी आपको बेसन की। आप लोग कितना शोर कर रहे हो। सो ये देखें आप कितनी भुनाई हो चुकी, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए मुझे। और अब मैंने क्या करना है कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क, ठीक है। ये तकरीबन एक प्याली के करीब ही मिल्क होगा, मैं इतना सा मिल्क ऐड करूँगी और इसको फिर अच्छे से पकाएंगे। और फिर जब बहुत अच्छे से पक जाएगा तो चीनी ऐड करके फिर पकाएंगे और फिर उसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। सो हेयर आई ऐड द मिल्क और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिल्क वैसे लोग कम ही डालते हैं लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से हम चलाएंगे और इसका सारा पानी ये मिल्क जो है ना हमने ड्राई करना है। सो आई ऐड अप द ड्राई फ्रूट्स हियर। सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप पानी, ठीक है। और मैंने एक प्याली पानी ऐड किया और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका फिर पानी खुश होगा तो ये फाइनल लुक में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। मुझे अभी हमें बनानी है रोटी। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने बनाया है ये चटनी बना ली है, ठीक है। मिक्सी में बना ली है, टाइम नहीं था अभी मेरे पास इतना, तो इसको निकालते हैं और अभी हम बस वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि फ्राई करेंगे और रोटी बनाएंगे जल्दी से पहले। सो स्टार्ट करते रोटी बनाना। कटलेट्स मैंने बना के रख लिए थे, ये तो हलवा बनाया था मैंने, ये इस तरह का हो गया, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा खा चुके हैं। सो कटलेट्स भी निकाल के ले आऊँगी, अंडे नहीं थे तो वो लेने गए हैं, बच्चे भी साथ में चले गए अभी के। सो मैंने इसका तो सारा बनाना था, मुझे याद है कि काफ़ी ज़्यादा था मैंने बनाया नहीं। सो ये 2 अदद मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, तो अभी मैंने 2 बॉक्स में करके रख लिए हैं, अभी एक बनाऊंगी ये। मैं जब तक वो लेकर आ जाएंगे, दही लेने गए हैं चटनी वगैरह उस तरह सब चीज़ों के साथ। चलो हम जल्दी से कर लेते हैं, रोटियां बनाते हैं फटाफट से, फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ कि क्या है आज के खाने में। हमने लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये देखा, और देन हम इसको फ्राई कर रहे हैं। रोटियाँ हमने बना ली हैं, अब हमें बस जो है ना इनको रेडी करना था, ठीक है जी। हमने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं और ये बन रहे हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।